वाटर पार्क में, और यहाँ एक फेमस डोसा वाला है मिस्टर थिरु कुमार, और ये काफी फेमस है। अभी यहाँ डोसा बना रहे हैं। देख ये 20 इयर्स इन्होंने, मुझे लगता है $8 का डोसा कुछ ऐसे था। अच्छा 20 साल से यहाँ है ये। मैंने इनको फेसबुक पर देखा था ना, बस अगर न्यूयॉर्क आए तो इनका डोसा खाऊंगी। तो अभी लाइन में लग रहे हैं हम, और फिर देखते हैं कितनी देर वेट करना पड़ेगा, कब हमारी बारी आएगी और कब हमको डोसा मिलेगा। तो अभी हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया हम वेट कर रहे हैं, और हमारे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन होगी है। और हमने अभी देखा यहाँ से एक मोहतरमा गई, उन्होंने पीछे एक बोर्ड डाल दिया क्लोज्ड, लेकिन लाइन देख लो कितनी है। तो मुझे लगता है अभी टाइम कितना हुआ, 2:33। तो इस जेंटलमैन के मुझे लगता है 4:30 ऐसे बच जाएंगे, आराम से बच जाएंगे। वेबसाइट में नहीं, इंटरनेट में क्या लिखा है, वैसे 3 PM तक है ना, 11 to 3 PM। अच्छा 11 to 3 PM नॉर्मली, और संडे को, ओके संडे को बंद होते हैं। ओके तो ये माइंड में रखना, अगर आप यहाँ आएंगे तो संडे में ये बंद होता है। पहले हमें खाने तो फिर बताते हैं आना या नहीं, बताते हैं। हाँ तो ये है मसाला डोसा, $9 का है, स्पेशल पॉन्डीचेरी $10 का है, मिक्स वेजिटेबल उत्तपम वो भी 10 का है, ऑफ मेन्यू आइटम 11 के है, समोसा 3 का, और वीगन ड्रमस्टिक वो भी 3 के है। And one drink for the sir. Okay, this no one. Problem. And 2 samosas. Samosa 2. In a box or plate or bag? Box maybe, if we don't finish. You want to eat now or later? We will eat it now. Now? So just a plate, it's good, no? Okay. Yeah. And do you have chai? No. You know, I'm vegan, so no milk. Okay. I had my vegan chai and everybody shared and it's so finished. Oh, I don't even have a chai now. Everything's okay. Spicy? Yes sir, everything spicy. Okay, 6 pondicherry, exactly. 2 samosa. Thank you. And anything else? And one drink. Water? One drink for the sir. Okay, and two additional waters. Okay, no problem. We'll pay later when it's finished. Okay. Finally, bari aa gayi dosto. Kitni der baad? Almost 1 ghanta. कितना चाहिए? Everything normal spicy, right? Yeah, a little bit spicy. Yeah, medium. हम खा लेते हैं. Medium वाला? Medium या? जी. All medium. Samosa I already give too, right? Yeah, samosa is fine. You want one more? I'll have one. Too much. Yes, sir. Where are you guys from? Zurich? Yeah, I live in Zurich. Oh. They live in Basel. Boston? Basel. It's another city. Oh, little far. Yeah, a little far. Have you been in Switzerland? No, a lot of friends and relatives. Ah, okay. Yeah. It's very beautiful, the greenery. No, a lot of good mountains, right? Yeah, exactly. Yeah.
स्विट्जरलैंड से आपका डोसा खाने के लिए ये बच्चे आए हैं। हाँ जी पूरा मीडियम स्पाइसी चाहिए इसी से। स्पाइसी चाहिए नहीं, अलग भी चाहिए थोड़ा थोड़ा। दे दीजिए हाँ। थोड़ा दे दीजिए प्लीज। थोड़ा दिया सेम ही है ना, सारे ऑर्डर सेम ही है। हाँ जी ले जाओ, ले जाओ दो तीन ले जाओ एंड फिर बाकी ऐसे ले आओ। नहीं तो एक ले जाओ, रख दो, आ जाओ गिड़ा ना दियो बस, एक घंटा रुके दियो। हाँ जी पंजाबी बोली कगे ना बोल। ठीक है किधर है मिशालपुर है जलंधर, जलंधर जी। तो जैसा आप देख सकते हो इन्होंने 2002 में काम शुरू किया था। ये देखो यंग फ्रेश मैन, ब्लैक मस्टैश, ब्यूटीफुल। वांट टू सी अ बेटर वन राइट हियर? ओह वाओ इवन बेटर, लाइक पंजाबी स्टाइल। नाइस नाइस, लाइक पंजाबी स्टाइल, लव इट। बॉल इन माय स्कूल नो? या एब्सोल्युटली। ये है श्रीलंका की पिक्चर और ये देखिए बॉडी कैसे खतरनाक बनाई है इन्होंने, एंड विद अ स्पोर्ट्स बाइक एज वेल। लव इट लव इट। या नाइस, ये है उनका मॉम। आई डोंट नो द ब्लैक लाइन, कांट हियर मी। एक्चुअली मैं दीप से कह रहा हूं, लेकिन लुक एट दैट बीस्ट, वन बीस्ट एंड अनदर वन इज हियर। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पाइसी है या नहीं? नहीं है। तो समोसे की बात, I will never forget this and I will never forgive you. अभी गर्मा गर्म डोसे के बाद डैडी जी चल गए हैं वहाँ लेटने और अभी लेंगे मिडनाइट नैप, मिड नैप लंच के बाद। डैडी जी ने और मैंने यहाँ नैप ले लिया था क्योंकि डोसे के बाद हमको तो नींद पड़ गई थी और अभी हम जा रहे हैं सारे इकट्ठे वहाँ बैठे सारे। अभी हम जाएंगे आगे और देखेंगे, एक आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और फिर देखते और हम क्या एक्सप्लोर करेंगे आज। देखो दोस्तों ये है उनका ट्रक, लाइट्स देखो, ये देखो खींचने के लिए खतरनाक शेवरोले का, यहाँ भी एक लाइट है मॉडिफाइड, काफ़ी मैसिव है। और इसके टायर दो देखो दोस्तों, माय गुडनेस। और यहाँ वाओ, और यहाँ इनकी टी शर्ट है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा है। और यहाँ देख लो कितना सामान आ जाता है यहाँ पीछे तक। नाइस, लव्ड इट। तो अभी हम मेट्रो लेने वाले हैं न्यूयॉर्क सबवे, यहाँ पे पूछ रहे हैं और यहाँ से जाएंगे। देख लो दोस्तों दुनिया कितनी यहाँ है, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। हम अभी यहाँ नीचे से ऊपर आए हैं, थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और फिर आगे जाएंगे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास। वहाँ पीछे अभी मम्मी जी, राजा भैया और डैडी जी बैठे हैं और हम अभी आ गए यहाँ वॉफल शॉप के पास और यहाँ खरीद रहे हैं आइसक्रीम एंड वॉफल्स। उनको हमने पहले आइसक्रीम फड़ा दी और हम अभी वॉफल्स ले रहे हैं और फिर बैठेंगे खाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास, वो यहाँ से काफ़ी काफ़ी नज़दीक है और फिर आपको वहाँ घुमाएंगे। ये रहे मेरी वॉफल्स दोस्तों, नीचे वॉफल्स, ऊपर व्हिप्ड क्रीम, वनीला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरीज। काफ़ी भारी है, काफ़ी गर्म है। और ये है कंचन का सिनेमन आइसक्रीम इज वेल, और ये है अर्जुन पार्टी का। तो हम भी इकट्ठे इकट्ठे खाते हैं। फाइनली फाइनली हम आ गए हैं एंट्रेंस के पास और अभी हम करेंगे, मुझे लगता है यहाँ से फिर एंटर, फिर हम जा सकते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर।
आगे हैं हम अंदर दोस्तों। वाओ, यहाँ से काफ़ी सुंदर है। तो अभी हम जा रहे हैं एलिवेटर के साथ ऊपर। अभी फिर यहाँ पहले फिर सिक्योरिटी चेकअप होगा और फिर हम अंदर जा सकते हैं। अभी सिक्योरिटी चेकअप हो गया और हम जा रहे हैं आगे। यहाँ हमारा स्वागत हो रहा है और अभी ये लाइन हमको क्रॉस करनी पड़ेगी। मुझे लगता है फिर हम अंदर पहुँच गए हैं। ये मुझे लगता है दोस्तों नक्शा है कैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बना, और मुझे लगता है ये वो आर्किटेक्ट होगा लेकिन मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। और यहाँ और भी पिक्चर्स है, सारी कहानी ये है। ये है 1920s, यहाँ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स है, पहले 1920s में कैसे दिखता था। यहाँ भी कुछ लिखा है इनोवेशन इन स्पीड। ये 1930s की कहानी है, तो एक एक मंथ में कैसे इसकी ग्रोथ होती रही, कैसे ये बनाते रहे। ये आपको दिख रहा है, ये बन गया कंस्ट्रक्शन, और फिर एंड में पूरा बन गया। ये और इंफॉर्मेशन है कंस्ट्रक्शन के बारे कि उन्होंने उस टाइम में कैसे बनाया था। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर थे जिन्होंने ये बनाया। और यहाँ 3D में आपको दिख रहा है पहले कैसे बनाते थे वो, पुरानी टेक्निक्स के साथ। मशीनों तो होते थे लेकिन काफ़ी कम होते थे, क्रेन्स ही होते थे, और सभी कुछ हाथ के साथ बनाना। ये मुझे लगता गर्म तो नहीं है, असली नहीं है, नकली है, लेकिन काफ़ी नाइस है। और जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा है, फ्रेंच, चाइनीज, कोरियन, जर्मन में, इटालियन, तो हर एक भाषा तो नहीं लेकिन कई कई भाषाओं में लिखा है। यहाँ फिर इंफॉर्मेशन है ओपनिंग डे की, 1 मई 1931 में खुला है ये। और यहाँ देखो जनता आई हुई है, और वो जो न्यूयॉर्क का गवर्नर था और फ्यूचर प्रेसिडेंट मिस्टर फ्रैंकलिन, उन्होंने दिखाया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ एक 3D स्कल्पचर बनाया है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का। यहाँ इतना बड़ा लग रहा है तो बाहर से कैसे लग रहा होगा। यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, टीम वर्क। अगर एक मेंबर नहीं यहाँ था, बीमार था या कुछ भी था, तो पूरी टीम नहीं काम करती थी। सो देख लो कितनी मेहनत लगी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। ये सभी ऑफिसेस हैं जो इस टावर के अंदर है। वाओ, एक्सपीरिया ग्रुप, अगोडा, HNTB, लिंक्डइन, ऐसे दिखते हैं ये। टीम ओनली फिटनेस सेंटर भी है, स्टेट ग्रिल एंड बार, क्रेजी। ये सभी मूवीज हैं जिनमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग मेंशन हुई थी। सबसे मशहूर मूवी मुझे लगता है किंग कॉन्ग ही है, जो सब जानते हैं। ये देखो किंग कॉन्ग के हाथ बने हुए। यहाँ आपको सभी लोग दिख रहे हैं जो भी फेमस हैं सेलिब्रिटीज, रोनाल्डिनियो, रोवन, हाइडी क्लूम वगैरह वगैरह, जो यहाँ आए हुए हैं। नोवाक जोकोविच वहाँ ऊपर है, फेमस फुटबॉलर फैन है। नाइस। Yeah.
यहाँ भी सारे लोग हैं खड़े। ये है 86th कौन सा फ्लोर था ये? मुझे लगता है 86th फ्लोर है ये है, और इससे ऊपर भी जाता है ये 102nd फ्लोर तक, और यहाँ आपको पूरा व्यू मिलता है। हाँ पीछे तक दोस्तों और अभी सारे देख रहे हैं दोस्तों। ये है स्टेफन विल्शेयर, और जो ये एक आर्टिस्ट है, ये तस्वीरें बनाते हैं, और ये एक हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ उड़े थे और फिर इन्होंने तस्वीर बनाई सिर्फ अपनी मेमोरी के साथ। लुक एट दैट, क्रेजी क्रेजी। और ये है उनकी ड्राइंग जो उन्होंने खुद सिर्फ मेमोरी से विद अ पेंसिल बनाई है। यहाँ दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ग्लासेस बने हैं, और इनके साथ आपको ये चीज़ें दिखती हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ आपको ब्रुकलिन ब्रिज दिखेगी, यूनाइटेड नेशंस, ग्रैंड सेंट्रल, सेंट्रल पार्क, एक एक के साथ। अभी हम आ गए हैं 86th फ्लोर के पास, और यहाँ आप बाहर जा सकते हो और फिर बाहर से फोटोज क्लिक कर सकते हो। वाओ, आज अभी मौसम भी कैंट है, जैसे हम पंजाब में कहते हैं ना कैंट, हवा चल रही है, थोड़ी सी ठंड है, गर्मी नहीं है, और फोटोज के लिए भी परफेक्ट कंडीशंस है, परफेक्ट। अभी 100-200 फोटोज क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं कौन सी अच्छी निकलेगी। अभी हमारी टूर तकरीबन ख़त्म है और हम यहाँ सुवेनियर शॉप में पहुँच गए, और फिर हम एग्ज़िट करेंगे, शायद कुछ खरीदेंगे शायद नहीं।